हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र ने 4 किलो 50 ग्राम अफीम व 3 किलो 800 ग्राम डोडा चुरापोस्त सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र की टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए कैंटर सवार एक नशा तस्कर से 4 किलो 50 ग्राम अफीम एवं 3 किलो 800 ग्राम डोडा चुरापोस्त बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। डीएसपी राजकुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरकारी स्कूल उगाला यारा रोड गांव बुहावा पर नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर के बाद एक सफेद रंग का कैंटर गांव बुहावी की तरफ से आता हुआ पुलिस को दिखाई दिया, जिसको रुकवाकर कैंटर में बैठे ड्राइवर सीट पर व्यक्ति ने खिड़की खोलकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। कैंटर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गुरजिंदर सिंह निवासी फरीदपुर जिला पटियाला पंजाब व भागने वाले व्यक्ति का नाम बलजीत सिंह निवासी मुराद माजरा जिला पटियाला पंजाब बताया। ड्राइवर सीट के पीछे बनी लंबी सीट पर एक काले रंग का एक बैग मिला, जिसको खोलकर पुलिस ने जब चेक किया तो बैग के अंदर से अफीम बरामद हुई, जिसका वजन करने पर 4 किलो 50 ग्राम अफीम हुआ। इसके अलावा दूसरे पॉलिथीन के अंदर से डोडा चुरापोस्त बरामद हुआ है, जिसका वजन करने पर 3 किलो 800 ग्राम हुआ। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र की टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अम्बाला की जो शाखा है, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र यूनिट हमारी आती है, उसने कल रात को एक प्रयास शुरू किया था, जो आज सुबह हमें 19 तारीख की सुबह वी आवर्स में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो हमें कमर्शियल क्वांटिटी में 4 किलो 50 ग्राम अफीम और 3 किलो 800 ग्राम चुरापोस्त पंजाब के एक ट्रक से, जो कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता से चला हुआ था और वो हमारे यूपी से होता हुआ हरियाणा से क्रॉस करता हुआ आगे पंजाब में जाना था, उसको थाना बबैन के क्षेत्र में हमने राउंड अप किया है। और उसमें जो एक ड्राइवर था वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में कामयाब रहा है, लेकिन जो उसका हेल्पर था, जो उसको हमने काबू किया है और कानून के अनुसार बाकायदा कार्रवाई करते हुए डीएसपी शाहबाद को मौके पे बुलाया गया और उनकी निगरानी में ये कमर्शियल क्वांटिटी जो है नारकोटिक की बरामद की गई है। अभी हम जो एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किया है उससे पूछताछ कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये क्योंकि कलकत्ता से चला था तो बीच में दो स्टेट जो है, झारखंड जो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा था और यूपी से होते हुए ये आया है, तो अभी मेन एक्यूज जो है उससे पता लगेगा कि ये एक्चुअल नारकोटिक उसने कहाँ से प्रोक्योर किया था और आगे इसको कहाँ कहाँ उसने करना था। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन मैं कुरुक्षेत्र की यूनिट को एक तरह से शाबाशी भी दूंगा, और क्योंकि ओपी सिंह साहब के नेतृत्व में जो ये मुहिम चल रही है उसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। सर, मार्केट में क्या वैल्यू होगी? देखिए, बाकी तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर अच्छी अफीम है तो उसकी कीमत 40 से 50 हज़ार रुपया पर केजी है। और इसी तरह से चुरापोस्त है, अगर उसके अंदर डोडा ज़्यादा है तो भी उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो कुल मिला के ये 2.5 से 3 लाख रुपए की से ज़्यादा का नारकोटिक है। लगातार आपके बड़े प्रयास रहते हैं जी, हर दिन घर पकड़ जा रही है, लेकिन पड़ा फिर भी चुरापोस्त या फिर बड़ी सप्लाई आजकल हो रही है। इसमें सजा भी बहुत कठिन है, जुर्माना भी बहुत हैवी है, लेकिन इसमें जो लोगों का लालच है एक तरह से, इसमें मार्जिन बहुत है, शायद वो लालच का फैक्टर है जो लोगों को इस काम में धकेलता है। युवा बड़े बढ़ रहे हैं जी, शोर जो है नशे में, शहर में बड़ा नशा हो गया। इसी भावना को कि हमारा जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में ना आए, उसको जो है इसीलिए ये जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है खड़ा किया गया था सरकार के द्वारा, और हरियाणा सरकार और ये जो हमारा हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ओपी सिंह साहब के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इस नशे को खत्म करने। काफी स्लम एरिया हैं शहर के अंदर, उन सभी एरियाज में इस तरह की गतिविधियां होती हैं,
तो लगता है कि वहाँ सुचारू रूप से आप लोगों का अभियान जारी है। मैंने अभी रिसेंटली जो है ये ज्वाइन किया है अपना जो हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अम्बाला और मेरा जो ऑफिस है वो कुरुक्षेत्र में है, तो पहले से जो मुझे जानकारी मिली है हमारे पास स्निफर डॉग भी हैं और हम लगातार उन एरियाज में जो कि रेड स्पॉट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसमें हम ये मुहिम जारी रखेंगे। ड्रोन का भी पीछे प्रयोग किया गया था, ड्रोन भी उड़ाया गया जितने संभव उपाय हैं जैसे जैसे, क्योंकि हमें पूरा टेक्निकल असिस्टेंस जो है मिलता है और आगे भी मिलने की उम्मीद है, हम इसमें सारे प्रयास लगा रहे हैं। आज के आरोपी को हम जो है इलाका मजिस्ट्रेट जो बवैन थाने की इलाका मजिस्ट्रेट है जो शाहबाग में बैठती है वहाँ पेश करेंगे और रिमांड लेके आएंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, जो कुछ आते रहेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर ये जो नशा पकड़ते हो ज्यादा पंजाब की ओर सप्लाई होता है या हरियाणा में जाता है? ये जो इसका डेस्टिनेशन था वो पंजाब था और लेकिन बीच में कहीं पे इसकी शिपेज है, वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में हमने कवर करनी है। अपील क्या करेंगे लोगों से? अपील यही है कि इससे नशे से बचें क्योंकि ये तो जीवन की बर्बादी है। और बाकी जो लोग हमारे बार बार आग्रह करने पर भी जो लोग लालची लोग हैं वो नहीं हट रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। एनसीबी ने अभी टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, एक बार जरा हमारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का भी टोल फ्री नंबर है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का टोल फ्री नंबर है 90508-91508। थैंक यू।